हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई डाउट था कि अगर किसी भी कॉलेज में जीरो सीट्स हैं लाइक EWS का, OBC का, तो क्या उस कॉलेज को हम अपनी चॉइस प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, और कैसे अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल करें, और इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो मॉपअप काउंसलिंग के लिए, और अगर आपको ICR का प्रिपरेशन करना है उसके लिए देन कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा जब आप ICREXAM.NET, ये आपका काउंसलिंग का साइट है जिस पर ICR की काउंसलिंग प्रोसीड होती है। सबसे पहले आपको देखिए, पहला इसमें दिखाया हुआ बैकएंड सीट्स का, जिसमें आपने देखा होगा UG, PG और PhD, जो भी जिसका भी सीट मैट्रिक्स आपको देखना था कितने सीट्स बैकएंड है, तो उसमें आपने देखा कि किसी कॉलेज में OBC का जीरो है, किसी में EWS का जीरो है। और आप मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ रहे हो भैया अगर OBC का सीट जीरो है तो क्या हम उसको प्रेफरेंस में अपनी डाल सकते हैं, तो हाँ आप उसको डाल सकते हो। इसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों उसको अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हो। देन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लॉगिन वाला जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट लिंक वाले ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो देन आपको नया इंटरफेस नज़र आता है, कुछ ऐसा आता है जिसमें आपसे वो अपना आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और आपको जो सिक्योरिटी कोड है वो फिल करने के लिए बोलता है। देन आप जैसे उसको फिल कर देते हो उसके बाद में आपको लॉगिन करना होता है, तो हम इसमें चलो फिल करते हैं। जैसे कि हमने फिल करके लॉगिन किया तो हमको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आया जहाँ पर हमको पहला ऑप्शन था रैंक कार्ड को प्रिंट करने का, देन उस भाई का नाम है जिस भाई का ये है, उसके बाद में इधर ऑप्शन सेकंड आया फिल अप एंड मॉडिफाई योर चॉइसेस, उसके बाद में प्रिंट योर चॉइसेस, तो और उसके बाद में ये जिस भाई का उसको तीनों राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अच्छा रैंक होने के ठीक ठाक रैंक था इन भाई का फिर भी, लेकिन उन्होंने क्या गलती क्या किया था, अच्छे से चॉइस फिल नहीं किया। चॉइस फिलिंग का मतलब उनको पता नहीं था, अगर आपका रैंक ज़्यादा है, आपका ज़्यादा रैंक है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करने हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस जो जिसके लिए तुम एलिजिबल हो सबसे पहले उनको फिल करो। लगा आपका रैंक है मतलब 16-17 हज़ार रैंक है आपका जनरल या ST आप जो भी कैटेगरी है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो अगर इस रैंक पे आपको पता है जनरल कैटेगरी वाले बंदे को इस पे एग्रीकल्चर तो मिलेगा नहीं हॉर्टिकल्चर मिलेगा, तो इसके अलावा बचे हुए पिछले कोर्सेज हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। लोग इस रैंक पर सबसे पहले एग्रीकल्चर भर रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से हटा के आपका जो स्टार्ट करो आप, अगर आपको फॉरेस्ट्री चाहिए फॉरेस्ट्री से मेरे चांसेस हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट्री का फिल करो, उसके बाद में जो भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उनको फिल करो, तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं रेदर देन जिसमें एग्रीकल्चर फिल किया है, तो आपको ये सोच के चॉइस फिल करना होता है। तो सबसे पहले फिर इसमें क्या करना होता है, आपको मॉडिफाइड और योर चॉइसेस, आपको अपनी चॉइस मॉडिफाइड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो देन इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, और हाँ जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको पहले ऑप्शन आएगा वहाँ पे रजिस्टर करने का, उसमें पे करने का, जो आपको 500 रुपीज़ आपको जो पे करने होते हैं वो उस पोर्टल पे करने होंगे अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो। तो देखिए इसमें आपको कुछ हिंट दे रखी है, इसमें बता रखा है ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप अपनी जो भी आपने प्रेफरेंस है उसको रीऑर्डर कर सकते हो या रीअरेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो। दूसरा जो भी मैंने कॉलेज सेकंड नंबर फिल किया एक पाँचवें नंबर पर, तो मैं कैसे पाँच नंबर वाले को सेकंड पे लाऊँ, तो उसको आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो, उसके बाद में आप एडिट कर सकते हो कॉलेज को, डिलीट भी कर सकते हो उस चॉइस को, ये सब है। जैसे कि इस भाई का जो भी फिल किया हुआ है इसमें देखिए, अगर आपको और कॉलेज फिल करना है देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको ऐड चॉइसेस, जैसे ऐड चॉइस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ आपको एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, और देखिए इसमें यह आया ऑप्शन, इसमें आप जो भी कोर्स आपको फिल करना है वो जो भी कोर्स फिल करना है उसको आप फिल कर सकते हो। जैसे अगर आपको जैसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिल करना है तो हॉर्टिकल्चर के लिए जो भी कॉलेज हैं वो कॉलेज यहाँ शो हो रहे हैं, आप कैसे फिल करना है मैं आपको बता रहा, ये करके आप इसको अपडेट, सिंपली अपडेट पर क्लिक करना है, ये अपडेट हो जाएगा, और अगर आपको इसको डिलीट करना है देन डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद में आपने जैसे वो लिखा था वो आप रिमूव हो चुका है, अगर आपको जैसे ये 50 और 51 आप चाहते हो 51 की चॉइस को मुझे 50 नंबर पे लाना है तो कैसे एक्सचेंज करना है, सिंपली इधर कॉर्नर में आपको डबल टिक करने से दोनों को टिक कर दीजिए और आप इंटरचेंज पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ इंटरचेंज, तो ये देखिए जो आपका जो फिशरीज वाला कॉलेज था वो ऊपर चला गया और एग्रीकल्चर वाला नीचे आ गया, अगर दोबारा से आपको किसी और को करना है तो वो आप कर सकते हो। और अगर आपको चॉइस डिलीट करनी, जैसे कि आप हटाना चाहते हो एग्रीकल्चर के बीच से BFSC, तो सिंपली जो डिलीट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो देन यहाँ से ये चॉइस डिलीट हो जाएगी, तो ये हुआ आपका डिलीशन। डिलीटेशन कैसे करना है आपको, आपको कोई भी चॉइस कैसे ऐड करना है, इंटरचेंज करना, और अगर आपको सभी चॉइसेस अपने रिमूव करना है तो यहाँ कर सकते हो,
और कैसे इसको सेव करना है, तो इस पर जाके आप क्लिक करके देन इसको सेव कर सकते हो। जैसे ही आपको सेव करेगा तो आपने कितनी चॉइसेस फिल किए हैं वो आपको इसमें शो करने लगेगा। आई थिंक आपको समझ आया। और आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप देखोगे कि बैक उसमें सीट्स कितना वैकेंट है। मे बी अब जितना भी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा मॉबअप राउंड में, वो सबसे पहले तो यही पता है कि जिसमें ज़्यादा सीट वैकेंट है उसको फिल करेगा। लेकिन आप थोड़ा सा एक दिमाग अगर लगाओ कि किस कैटेगरी में आप से बिलोंग करते हो, और आप उस ऑर्डर को देखें कि किस में आपको कैटेगरी के लिए भी सीट्स ज़्यादा हैं, ओवरऑल ज़्यादा है, और कैटेगरी रेंक्स के लिए भी सीट ज़्यादा है, अगर आप उसको पहले प्रेफरेंस दो जिसमें कैटेगरी सीट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ आपके लिए ओबीसी वाला बंदा ले सकता है उस सीट को, तो सबसे पहले उसको आप ऑर्डर में रीअरेंजमेंट करें, तब आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। आई थिंक मैंने जो आपको बताया वो समझ आया। और हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन था कि अगर सीट जीरो है तो उसको कैसे आप उसमें प्रेफरेंस में डाल सकते हो, बेसिकली अगर आपकी सीट्स जीरो है किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर ईडब्ल्यूएस का सीट्स जीरो है, तो आप देखियो एक होता है जनरल सीट्स, जहाँ पे आपने लिखा होगा कॉर्नर में जनरल सीट्स टोटल सीट और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। तो जनरल सीट्स का मतलब है कि इस इन सीट्स के लिए एससी वाला एसटी वाला ईडब्ल्यूएस वाला जो भी है, अगर इसमें 10 सीट्स भी हैं, 10 सीट के लिए हर कोई एलिजिबल है, हर कोई कॉम्पिटिशन इसके लिए कॉम्पीट कर सकता है काउंसलिंग में। लेकिन जो एससी की जो सीट्स है तो उसमें केवल एससी वाला ही बंदा कॉम्पीट करेगा, वो फिक्स है कि उसको लेगा तो एससी वाला ही सीट लेगा। अगर आप जनरल से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको इन 10 में से लेना होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको कॉम्पीट करना होगा। आई थिंक आपको समझ आया कि अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में जीरो सीट्स भी है वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मीन्स उसको भी अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, अब बताया मैंने कैसे करना है आपको। और हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रेफरेंस में दें, क्योंकि उनमें 100% सीट्स ऑल ओवर इंडिया से फिल होता है, और देन जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी आपको अगर उनको प्रेफरेंस में दोगे देन उसमें, क्योंकि कोई ऐसा सेपरेट नहीं होता कि एससी के लिए अलग सीट है, उसमें सबके लिए कॉमन लाइक जनरल सीट 100%। उसके बाद में अगर इनको देने के बाद में जिसमें जैसे कि डॉक्टर आरपीसी यूनिवर्सिटी, इसका हर कोर्स में मैक्सिमम सीट वैकेंट है, तो आपको इसको तो प्रेफरेंस में देना ही है। और अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको, जैसे आपको पता है कि इतना रैंक है मेरा, ये कॉलेज मुझे अलॉट हो सकता है, तो पहले उसको प्रेफरेंस में दें, रदर देन कि जिसको आपको पता तक नहीं है आप उसको फिल किए जा रहे हो। ऐसे ही आपने फर्स्ट राउंड में गलती किया था, जब रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बताया था ऐसे आपको करना है, फिर भी आप गलती कर रहे थे, तो अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है बंदा। और फिर जिसका अच्छा रैंक था उसको कॉलेज ना मिले, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यही है कि उसको तो कम से कम मिलना चाहिए था। जैसे कि अब की बार आपको पता है कि 10 से 10 के रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था, और मेरे को जब किसी ने कॉल किया तो उसका आई थिंक 8.5K के अप्रोक्स उसका रैंक था। वो बोला भाई मेरे को कॉलेज अलॉट, भाई कैसे चॉइस फिलिंग किया तुमने, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होता कैसे करना है, वो रैंडमली डाल देता है, तो ऐसे नहीं मिलता। और वो चाहता है मुझे एग्रीकल्चर ही चाहिए, तो वो केवल एग्रीकल्चर को बढ़ता है, लेकिन उसके लिए वो एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसको और भी कोर्सेज फिल करने होते हैं, तब जाके कुछ होता है। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। और हाँ, अगर आपको फिर भी अपने से काउंसलिंग नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम होता है करने में, तो आप मेरे से आप पर्सनलाइज काउंसलिंग करा सकते हो। इसके लिए आप टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, जहाँ पे जाके आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।